दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। रीवा शहर का वार्ड क्रमांक 5 त्रिमूर्ति नगर इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहा है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कहने को तो पद्मधर कॉलोनी में 1,00,000 लीटर पानी की टंकी बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर बीहर नदी भी निकलती है, फिर भी त्रिमूर्ति नगर के लोगों को 5 से 10 लीटर पानी भी नहीं नसीब हो पा रहा है। जबकि 1,00,000 लीटर की बनी पानी की टंकी से 5 से 10 हजार घरों में सप्लाई दी जाती है, जिसमें पद्मधर कॉलोनी हमीदिया कॉलोनी के 20,000 रहवासी पानी पीते हैं, लेकिन त्रिमूर्ति नगर में 1 बाल्टी पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। सिंह, वार्ड नंबर 5 त्रिमूर्ति नगर हमीदिया कॉलोनी के पीछे, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है तब से पानी के बूंद बूंद के लिए हम लोग नगरवासी तरस रहे हैं। हर तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन आकर के यहाँ लगाते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, कहीं टूटी हुई पाइप, कहीं कुछ, कहीं लोग पानी ओवरफ्लो नहीं ध्यान देते, पानी में जाता रहता है। लोगों को बोले भी कि भैया ये पानी ओवरफ्लो थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, 1 लोटा 2 लोटा 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी पीने तक के लिए हम लोग नदी किनारे होते हुए भी किसी प्रकार का कोई भी पानी का उपयोग नहीं मिल पा रहा है। मैं धीरेंद्र कुमार चतुर्वेदी त्रिमूर्ति नगर रीवा का रहने वाला हूँ। यहाँ त्रिमूर्ति नगर में करीब जब से गर्मी स्टार्ट हुआ है तब से जो है तो ये प्रॉब्लम चल रही है पानी की, और हमारे यहाँ वार्ड क्रमांक 5 में जो है तो लगभग जो है तो 20,000 लोग रहते हैं, और यहाँ 1,00,000 लीटर की टंकी बनी हुई है, और अगर बात किया जाए तो हर एक पर्सन के हिस्से में 5 लीटर पानी आता है, और उस 5 लीटर से हम लोग अपना नित्य कर्म करें या कि जो है तो नहाएं या कि कुछ भी करें। यहाँ बच्चे बूढ़े सब कुछ सब कोई परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक कि सारे नगरवासी परेशान हो रहे हैं, हम ही बस की बात नहीं है। और मैं तो यही गुजारिश करूँगा सरकार से कि जो है तो हमारे यहाँ जो है तो 10,00,000 की टंकी बनाई जाए, 10,00,000 लीटर की हमारे यहाँ उपयोग ज़्यादा है पानी का। और धन्यवाद।